क्वेश्चन लिफ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल इज कॉल्ड कंटिन्यूस एट ए बी इफ जो लिमिट है टू वेरिएबल की वो फंक्शन की डायरेक्ट इनपुट ए बी रखने पर जो वैल्यू आती है उसके बराबर हो जाए। इफ वी से एफ इज कंटिन्यूस ऑन डी, इफ वी से डी एफ इज कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑन ए बी, यदि हम डी पर उसको कंटिन्यूस मानते हैं तो डोमेन में जितने भी पॉइंट होगा वो फंक्शन उन सब पर क्या होगा, कंटिन्यूस। तो आगे देखते हैं दोबारा से फॉर्मल जो मैथमेटिकली डेफिनेशन वो क्या है। इफ फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ए पॉइंट, इफ फंक्शन कंटिन्यूस होगा एक पॉइंट ए बी पर, इफ इट्स डोमेन जो डोमेन में होगा द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई। सबसे पहले तो फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रखने पर वो क्या होगी, एग्जिस्ट होगी, यानी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ना हो, ठीक है। फिर लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए उसकी जो भी है, और फिर लिमिट किसके बराबर आनी चाहिए, इसके बराबर, यानी इक्वेशन वन इक्वल टू इक्वेशन टू सेम, जैसे कि सिंगल वेरिएबल में होता है। तो देखते हैं आगे, जैसे ये एग्जांपल है तो द फंक्शन इज गिवन बाय जी एक्स, जी एक्स एक फंक्शन है, वाई माइनस एक्स केयर इज ए कंटिन्यूस एक्सपेक्ट ऑन द पैराबोला वाई इज इक्वल टू एक्स केयर। तो पाथ होते हैं, पाथ क्या होता है, मान लो ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई है और ये हमारा ए बी, ठीक है। तो इस तक का पाथ, पाथ क्या होगा, पैराबोलिक टाइप हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, तो काफ़ी तरह के पाथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो पाथ यूज किया गया है वो याद किया गया है वाई इजकल टू एक्स केयर एक पैराबोलिक के टाइप से, यानी इस तरह से। तो उसमें क्या होगा, जब हम y को एक्स केयर रखते हैं तो नीचे वाला किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर, जीरो के बराबर होते ही वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी नॉट एग्जिस्ट। तो हमें सिर्फ एक ही पाथ ऐसा ढूंढना है कि जिसमें क्या आ जाए, ये हमारा अलग हो जाए। तो पाथ कितने तरह के होते हैं, पाथ मेनली दो या तीन तरह के हो जाते हैं, जैसे y इजकल टू एम एक्स, एम कुछ भी हो सकता है, y इजकल टू वन भी हो सकता है, y इजकल टू एम एक्स प्लस एन कोई कॉन्स्टेंट हो जाए, y इजकल टू एम एक्स के आर, या इसके साथ कुछ कॉमन हो जाए माइनस एन या प्लस एन, जो भी है इस तरह से क्यूब हो जाए। तो इस तरह से पाथ होते हैं, दो या तीन तरह के पाथ हैं जहाँ से हमें आंसर मिल जाए। जैसे यहाँ है, यहाँ पर 3x 2y x y प्लस वन, डायरेक्ट वैल्यू रखने पर हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 5, डायरेक्ट वैल्यू रखने पर हमारा सोल्यूशन आ जाएगा इसका। तो सबसे पहले तो डायरेक्ट वैल्यू रख के देखते हैं कि इन्फिनिटी तो नहीं हो रहा, कंटिन्यू प्रूव करने के लिए पहली कंडीशन क्या है, एफ ए बी की वैल्यू क्या होती है, तो ए 5 है और बी क्या है, माइनस 3। तो देखते हैं फंक्शन में वैल्यू रखी 5 तो कितना आ गया, 3। अब हमें क्या करना है, इसकी लिमिट निकालनी, तो लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट क्या आएगी, एक्स अप्रोचेज ए बी एफ एक्स एग्जिस्ट दिस इज ऑल्सो ट्रू एफ एक्स। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऊपर वाले की लिमिट अलग से और नीचे वाले की अलग से, तो जाहिर है वो क्या आ गई हमारी 3। ये सिंपल क्वेश्चन था, तो ये हमारी क्या होगी, कंटिन्यूस। सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, जो सिंगल वेरिएबल लिमिट कंटिन्यूटी की प्रॉपर्टी है वो यहाँ भी लागू होगी, द सम ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस, एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स वाई नॉट, जी एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स नॉट वाई नॉट। यहाँ पर जो पॉइंट है वो सेम होंगे दोनों ही, तो दोनों का जोड़ डिफरेंस और भाग या जो भी है प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, सेम कंटिन्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। इसी तरह कंपोजिशन, द कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूस। अब देखते हैं, शो दैट द फंक्शन, हमारे पास फंक्शन दे रखा है, उसने क्या एक कंपोजिट फंक्शन के बारे में वो बात कर रहा है। एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स वाई इजकल टू फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जी एक्स कोस फोर एक्स थ्री वाई स्क्वायर आर कंटिन्यूस एवरीवेयर सॉल्यूशन। तो जी एक्स को क्या माना, फोर एक्स स्क्वायर, वाई को वाई स्क्वायर, तो ये क्या होंगे, दोनों ही पॉलीनोमियल और कंटिन्यूस है, तो इनका गुना क्या होगा, मल्टीपल जो एफ एक्स है वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लागू हो जाए, द कंटिन्यूस एवरी पॉइंट ऑफ एक्स वाई। अब आ जाते हैं हम दूसरे में, यदि एफ एक्स कंटिन्यूस है और दूसरा फंक्शन जी एक्स है, क्या है दूसरा फंक्शन जी एक्स, दोनों ही क्या है, कंटिन्यूस किस पर है, एवरी रियल नंबर एक्स पर, तो हम इनका कंपोजिट भी क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। तो कंपोजिट फंक्शन क्या है, ये है हमारा कंपोजिट फंक्शन, क्या है, जी एक्स। इस तरह से हमारा फंक्शन क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन में कंटिन्यूस हो जाएगा। हम इस तरह से भी कर सकते हैं यदि हमें सोल्व नहीं करना हो तो। अब क्वेश्चन है ये, यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर
ए बिलोंग टू आर, आर स्क्वायर का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी टू डायमेंशन यानी टू वेरिएबल के फंक्शन में है, इज कंटिन्यूस एट 0 0। तो कंटिन्यूस की डेफिनेशन क्या होगी, एफ एक्स माइनस एफ 0 0। ठीक है, एफ 0 0 क्या है हमारा, 0 ही दे रखा है। एफ एक्स क्या है, ये, और यहाँ पर गिवन क्या होगा, यहाँ पर गिवन होगा एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन, कोई एप्सिलॉन क्या होगा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करेगा। तो ठीक है, यहाँ आ गया, हमें पता है साइन एक्स, साइन एक्स मोड की वैल्यू किससे छोटी होती है, 1 से, या इक्वल होती है। तो यहाँ हम 1 लगा दें इसकी जगह, क्या लगा दें, यदि 1 लगा दें तो क्या होगा, यदि हम इसकी जगह क्या पुट कर दें, 1 पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये निशान ऐसे हो जाएगा, और एक्स, और एक्स हमारा गिवन है वो किससे छोटा है, एप्सिलॉन से। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 1 लिख लीजिए, तो ये क्या हो गया हमारा कंटिन्यूस। दूसरा देखते हैं, ये कोई फंक्शन है प्रूव दैट, तो जाहिर सी बात है इसमें तो होने वाला ही नहीं है, लिमिट दोनों की लिमिट क्या है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है तो 1 आएगा, लेकिन फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी, 0, तो दोनों ही बराबर नहीं है, तो ये इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। तो कॉन्स्टेंट फंक्शन में जब डायरेक्ट वैल्यू मिल रही हैं तो वो दोनों मैच करनी चाहिए, यदि नहीं मैच कर रही तो वो डायरेक्ट ही क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू, यहाँ तो डिसकंटिन्यू है ही। दूसरा, यहाँ लेफ्ट एंड राइट, ये जो लिखा हुआ है पहले से, लेफ्ट एंड राइट साइड नहीं होता, जब टू वेरिएबल होता है वहाँ पर लेफ्ट राइट नहीं होता, वहाँ पर सेवरल टाइप होते हैं, सेवरल टाइप, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, यह लेफ्ट राइट का जिक्र नहीं होना चाहिए। दिस शो दैट द फंक्शन, यहाँ पर एक फंक्शन है इज कंटिन्यूस, फंक्शन ये है, तो सबसे पहले तो 0 अदरवाइज 0, तो f 0 पर वैल्यू क्या आएगी हमारी, 0, तो एफ एक्स, और इसको मानना है तो वैल्यू एग्जिस्ट क्या करेगी, देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देन एक्स माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर, और सारे का अंडर रूट किससे छोटा होगा, डेल से। ठीक है, या एप्सिलॉन मान सकते हैं उसको। ठीक है, तो फंक्शन में रखना, ये हमें प्रूव करना है उसे छोटा, तो अब देखते हैं हम, तो हमने इसको अलग कर दिया, मोड कर दिया, मोड में ये देखेंगे ये चीज़, तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों ही क्या होंगे, सदा पॉजिटिव, पॉजिटिव होंगे मोड आने के कारण, यदि ये दोनों ही पॉजिटिव हैं तो जो ये वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है, जो ये वैल्यू है, ये वाला पोर्शन है, इसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, इसकी वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा या कम से कम 1 और 0 के बीच में रहेगी, तो हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं, 1 लिखने के कारण यहाँ क्या निशान आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। अब हमें x और y का पता ही है, x और y क्या है हमारे, एप्सिलॉन से छोटे, तो हमने यहाँ लगा दिया, तो ये फंक्शन क्या हो गया हमारा, कंटिन्यूस, जो हम लिमिट ऑफ डेफिनेशन या से करते हैं। अब यहाँ देखते हैं, ये फंक्शन है हमारे पास, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी टू वेरिएबल का कोई फंक्शन पूछा जाए और वहाँ पर नीचे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आ जाए और ऊपर से हमें ये ना पता लगे कि वो हम 1 से छोटा या बड़ा कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें एक्स स्क्वायर को क्या मानना पड़ेगा, आर कोस थीटा, और वाई को आर साइन थीटा, और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किससे छोटे होते हैं, 1/2 एप्सिलॉन, और वाई, ये किसकी डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन है लिमिट की, लिमिट की डेफिनेशन में जो पॉइंट है, तो यहाँ से x आ गया, ये आ गया, तो हम करते हैं इसको x माइनस वाई और x माइनस, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो एक्स वाई है, सो f इज कंटिन्यूस, कंटिन्यूस कैसे आ जाएगा, जब हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कोस थीटा या साइन थीटा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, r आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा हमारा, और ऊपर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर r कोस थीटा और साइन थीटा, आर से एक आर कट गया, इन दोनों की वैल्यू 1 होती है, तो बचेगा क्या, सिर्फ सिंगल आर, सिंगल आर किसके बराबर है, वो बराबर है इसके, तो जब ये आएगा तो इनका क्या करना पड़ेगा हमें, जोड़, तो जोड़ करेंगे तो ये आ जाए। तो आपको ये कैसा लगा, यदि आपको कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल समझ में आ गया हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यदि नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई, हम उसको दोबारा समझाने का जहमत उठा लेंगे। तो आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।